बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नौशा चैनल। हम आपको आज न्यूज़ की कटिंग सिखाएंगे, क्योंकि न्यूज़ की कटिंग इसलिए सिखा रहे हैं कि कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं हमारे पास ज़ाया करने के लिए होता। आपकी कटिंग की शेप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी शेप ज़बरदस्त आएगी, क्योंकि मैं अपने सेंटर में भी ऐसे बच्चों को सिखाती हूँ। मेरी बच्चियों की कटिंग बिल्कुल कमज़ोर नहीं होती। मसलन के अखबार पे, न्यूज़ पे आपकी सेटिंग ठीक आ जाएगी, तो कपड़े पे भी वैसे ही निशान लगा के हमने एंची टेप से हर चीज़ वही करनी है, ट्रेस करके करना है। तो मैं आपको न्यूज़ की कटिंग बताती हूँ। ये हमारा न्यूज़ का नाप है। शर्ट लेंथ हमने जितनी न्यूज़ की लेंथ है उतनी करनी है, और चौड़ाई भी उतनी ही रखनी है। और हमारा तीरा है 8, मसना 8, कंधा 5.5, साढ़े 5, चेस्ट 11.5, मसा कमर हमारी 10 है, हिप 12 है, और साइड 8। बाजू की लेंथ हमारी 11 है, फ्रंट बाजू हमारा 4 है। ये मैं आपको अब कटिंग बता रही हूँ। न्यूज़ पेपर पे सिंगल तीरा हमारा जो है वो 8 है, डबल पे हम 4 पे निशान लगाए, ठीक है। हमारी चेस्ट कंधा जो है वो 5.5 है, 5.5 पे यहाँ पे हम छोटा सा निशान लगा लेंगे, और यहाँ से 4 पे ये निशान लगाएंगे, ये वाला, और यहाँ से हम अपने लंबा निशान लगा के यहाँ पे चेस्ट पूरी करेंगे। हमारी चेस्ट है 11.5, 11.5, तो ये 11 हो गया, और 2 पॉइंट ऊपर हम नीचे को निशान लगा लेंगे। और ये हम डब्बा जो बनाना है स्केल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पे ये हमारा 5.5 है, हमने इसे 2.75 पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे 2 पॉइंट कम यहाँ निशान लगाएंगे, और यहाँ एंची टेप से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। यहाँ से मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, ये 0.25 का यहाँ पे निशान लगाएंगे हम। ये हमारी ये चेस्ट पूरी हो गई यहाँ पे, ये हमने कंधे का निशान लगाया। अब इसकी शेप देनी है हमने। ये हमारा कंधा पूरा हो गया। अब इसे हमने यहाँ 0.5 का छोटा पीस है, इसे हम 0.5 का निशान यहाँ लगाएंगे, और 2 इंच का यहाँ पे। अब इसकी तिरछी शेप दे देंगे। फुल कमीज़ को हम यहाँ 1 इंच का निशान लगाते हैं, यहाँ पे 3 का, गले के हिसाब से इसका गला छोटा रखेंगे। ये हो गया। अब इसे इसकी चेस्ट कमर जो है हम 3.5 पे करेंगे। ये हमारा निशान लग गया। अब हमारी कमर है 10 का दरमियान हो गया 5 पे निशान लग गया। हमारी साइड है 8, हमने यहाँ 8 पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम चेस्ट पूरी करेंगे, हिप हम पूरी करेंगे। हमारी हिप है 12, इसका दरमियान हो गया 6, यानी कि 6, ये हमने निशान लगा लिया। हम ये निशान सीधा लगाएंगे कि हमें पता हो यहाँ हमारा पूरा हो रहा है। हम ये निशान वैसे भी लगा सकते हैं, एंची टेप से भी लगा सकते हैं, स्केल से भी, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आसान लगे वो कर लो। ये निशान आ गया। अब यहाँ पे हमने हिप पे और कमर पे रख के ये निशान लगा देना। ये हो गया हमारा निशान, ठीक है। अब इसे हम 0.25 का मार्जिन इसमें रखेंगे, 0.25 पे हम निशान लगा लेंगे, फिर उसे शेप देंगे। यहाँ पे 0.25 हमारा खत्म हो गया। अब हम इसे शेप देते हैं। ये शेप भी आप स्केल से, एंची टेप से भी दे सकते हैं, ऐसे हाथ से भी दे सकते हैं। अब इसे जब कटिंग करनी है थोड़ा सा नीचे ले जाना है ऐसे। अब इसे मैं आपको नाप के बताती हूँ। हमें चाहिए 5.5 कंधा, यहाँ से गुलाई देंगे,
ये हमारा हमें 5.5 सिला हुआ चाहिए, आधा इंच हमारा सिलाई का 6 पूरा हो गया और आधे इंच की कटिंग। अब मैं कटिंग करके आपको बताती हूँ हमने कैसे कटिंग करनी है। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर वाला। ये हमारे कंधे की कटिंग हो गई। अब हमने ये ऊपर वाले हिस्से की कटिंग हो गई, ठीक है। अब इसे यहाँ से हमने ये कटिंग हो गई, ठीक है। ये हमारी सादा शर्ट की कटिंग हो गई। अब इसे कंधे की कटाई के निशान मैं आपको बताती हूँ। हमने चेस्ट से ऐसे लेना है इसे। ये हम कटाई इसलिए देते हैं कि कंधा फ्रंट से फूले नहीं, कपड़ा बिल्कुल सेटिंग ठीक है। ये यहाँ से हमने निशान लगा लिया और ये ऐसे इससे मिला दिया। ये तो हम छोटा निशान लगा रहे हैं, वैसे फुल कमीज़ को हम जो है ना 1 इंच से 1.25 इंच तक यहाँ से निशान लगाते हैं। शेप देख ली आपने। अब मैं यहाँ से आपको न्यूज़पेपर के फ्रंट की शर्ट के फ्रंट की कटिंग का तरीका बता दी। यही तरीका हमारा है कपड़े पे कटिंग करने का। ठीक है, ये हमारी शर्ट की सिंपल सादा शर्ट की कटिंग हो गई। अब मैं आपको बाजू बताती हूँ। अब मैं बाजू के अलग अलग तरीके आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि आपकी बाजू की सेटिंग भी ठीक आ जाए। ये सिंपल सादा कमीज बताइए, ए लाइन डिजाइनिंग में बाद में बताऊंगी, ठीक है।